शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपकी बेटी श्रवणी के पति है हम लोगों ने अपनी मर्जी से शादी की है। झूठ झूठ झूठ। लेकिन हमारे पास कुछ और भी है। बेटा, ससुर पता क्या हुआ था कल रात? कल रात को तो हम आप लोगों के साथ थे ना? अरे ठीक से याद कीजिए, कल 10:30 बजे आपने हमें फोन किया था। क्या आपने ये नहीं कहा था कि सब सो गए, आ जाइए? हमने तुम्हें कोई फोन नहीं किया। ये आपका नंबर है? आपने हमें 10:30 बजे फोन किया। पापा हम देखते हैं। मुझे श्रवणी बिटिया से मिलना है। श्रवणी बिटिया, ये आपने अपना सिंघोरा जल्दी जल्दी में कल मंदिर में छोड़ दिया था। बेटा, ये एक सुहागन के लिए बहुत ही जरूरी होता है और हर तीज त्योहार में इसी का सिंदूर लगाते हैं। पंडित जी, सच सच बताइए, क्या श्रवणी और इस लड़के की शादी हो चुकी है? हाँ हाँ, कल बिटिया आई थी शिवांश के साथ और मैंने ही पूरे विधि विधान के साथ इन दोनों का विवाह संपन्न कराया है। लिया। ताऊ जी सब झूठ बोल रहे हैं। हमने कोई शादी नहीं की। पंडित जी, आप धर्म में तो मानते हैं ना? बिल्कुल। सत्य व्रत भी लिया होगा? जी हाँ, लिया है। तो फिर इस गंगा जल को अपने हाथ में लीजिए और देवी माँ के इस दिए को साक्षी मान के कसम खाइए कि आप सच कह रहे हैं। आपको हमारी बात पर संदेह है? नहीं नहीं पंडित जी, हमारा वो मतलब नहीं है, लेकिन ये हमारे घर की इज्जत का सवाल है। हाँ पंडित जी, देवी माँ की कसम खाइए और कहिए कि कल रात को अपने इस लड़के की शादी किससे कराए। तो ठीक है, हम गंगा मैया की शपथ खाकर, ईश्वर को साक्षी रखकर ये शपथ लेते हैं, कल रात हमने पूरे विधि विधान से शिवांश का विवाह तुम्ही से कराया था। और हमारी और भगवान दोनों की नजरों में तुम दोनों अब पति पत्नी हो। सदा सुहागन रहो बेटा। ये लो, अपनी अमानत को संभालो। जय राम जी की। अरे अरे ना ना मुनिया, आप रो काहे रही हैं? अरे अभी थोड़ी कर रहे हैं आपकी विदाई, अभी तो रक्षाबंधन का त्योहार है। और हमारे घर में ना बहुएं जो होती है ना, पहला त्योहार अपने पीहर में मनाती है। और देखना, रक्षाबंधन के बाद हम धूमधाम से आएंगे बैंड बाजे के साथ आपको विदा करने। तब तक हम चलते हैं। ससु जी, भाई लागू, ससुमा, भाई लागू, और हमारी साली जी, ध्यान रखिएगा हमारी पत्नी जी का। इन्हें कष्ट हुआ ना तो आपकी मेडिकल की पढ़ाई करवा देंगे। सासू माँ जी, अरे वो बड़े गुस्से में रहती हैं।
आपकी बेटी श्रवणी के पति है हम। शादी हुई हमारी, हम लोगों ने अपनी मर्जी से शादी की है। तुम दोनों अब पति पत्नी। अरे संभाल के, आपकी बेटी श्रवणी के पति है हम। शादी हुई हमारी। ना ही हम सुहागन है और ना ही किसी की पत्नी। ये चूड़ियां, महावर, ये सिंदूर सब झूठ है। हम सब धो देंगे। हम किसी की पत्नी नहीं है, हम सुहागन नहीं, हमारी कोई शादी नहीं। हमें हमारे ससुराल में आने से भला कोई कानून रोक सकता है? शादी हुई हमारी, श्रवणी के पति है हम। छोड़ो। ये सिंदूर तो उसका नहीं रहा है। ये मैं श्रवणी, 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 श्रवणी। तुम काय का शोक किए बैठे हो बे? भैया जी, हम सोच रहे हैं, भाभी जी के साथ आपने जो किया, क्या वो सही था? उस झूठी सूटी से शादी कर रहे थे, तब हम मन ही मन देवी माई से मांगे थे, हे माई, कैसे भी करके इन दोनों का मिलन हो जाए। लेकिन इस तरह भजनो, वैसे एक बात बताओ, हवालात से तुम छूटे कैसे? हम तो तुम्हारी जमानत नहीं करा पाए थे। अबे हमें कुछ नहीं पता, पुलिस वाले ने जमानत करने वाले का नाम ही नहीं बताया। हम जब हवालात से निकले तो बस एक फोन आया था हमें। हेलो, हमने तुम्हारी जमानत करा दी है। जी आप कौन? शुभचिंतक। बस इतना समझ लो तुम कौन हो हम जानते हैं, और तुम्हारा क्या मकसद है ये भी जानते हैं, और तुम्हारे मकसद में तुम्हारा साथ देना चाहते हैं। लेकिन कैसे? हेलो, हेलो, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा मजनू कि कौन है और उसने ऐसा क्यों किया। वो जो भी है ना, उसने वही किया जो हम चाहते थे। अब तुम देखना मजनू, रक्षाबंधन के बाद शरवनी हमारी दुल्हन बनकर हमारे घर आएगी। लेकिन भाभी जी इस रिश्ते को नहीं मानी तो? इस रिश्ते को अब कोई नकार नहीं सकता, शरवनी भी नहीं। माँ, माँ खाने में क्या बनाए? बहुत भूख लगी है।
ये बिजली को क्या हो गया? फान आने वाला है क्या? आप लोग यहाँ बैठे हैं? हम कब से आप लोगों को आवाज लगा रहे थे? ये जाल नहीं, ये जिंदगी है तुम्हारी और तुम हमारे बिछाए इस जाल में फंस चुकी। यहां से तुम्हें कोई नहीं सुन पाएगा। नहीं, नहीं, मां, दादी, हमें निकालिए यहां से। कोई शादी नहीं है हमारी, समझे तुम? ये शादी नहीं, ये बेड़िया है, बेड़िया जिसे तुम कभी तोड़ नहीं पाओगी। अब तुम वही करोगी जो हम चाहते हैं। हमारे एक एक इशारे पर तुम्हारी जिंदगी निर्भर है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं, कभी नहीं। माँ, जी निकालिया में। कोई नहीं सुनेगा मुनिया। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में डर का नाम शिवांश है। शिवांश जा रही हूँ मैं। हमें हमारे परिवार से मत दूर करो, छोड़ो हमें, हमें जाने दो। बाबू जी, हाँ, आज से सिर्फ हमारा हक है तुम्हारे ऊपर, हमारा। चलो। बोलना बेटा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही थी? कुछ नहीं, ऐसे हम बस डर गए थे। अरे बेटा, इसमें डरने की क्या बात है, हम सब यही है तुम्हारे पास। शमी कोई बुरा सपना देखा होगा। ताई जी, वो शिवांश हमें आप सबसे दूर करना है। हमने इतनी आवाज लगाई आप सबको, लेकिन हमारी आवाज आप तक पहुंची ही नहीं। माँ, वो हमें आप सबसे दूर करना चाहता है। हमें बहुत डर लग रहा है। इधर देखो, इधर देखो, तुमने हमें अपने पिता का दर्जा दिया है ना, दिया है ना, तो फिर एक पिता के होते हुए उसकी बेटियों को छू तक नहीं सकता। हम तुम्हें वचन देते हैं कि कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा, कोई दुनिया की ताकत हमसे दूर नहीं कर सकती तुम्हें।
भाई माँ क्या बात है, अरे हम तो खुशबू से ही समझ गए थे कि आज आपने चिरौंजी डाल के बनाई है खीर। लाइए पहले हम खाएंगे। अरे नहीं अभी नहीं, पहले भोग लगेगा उसके बाद। माँ आपको एक बात बताएं, ये पूरी दुनिया के पकवान एक तरफ और आपके ये चिरौंजी वाली खीर एक तरफ। माँ इसे क्या हुआ? चॉकलेट। बूम छुटकी जी तुम काहे मुंह फुलाए बैठी हो? कुछ नहीं। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं, भला आज के दिन भी कोई मुंह फुला के बैठता है? हाँ ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, राखी की भेंट लो। अरे देखो ना, अरे लो। अरे भाई आज हमारी कलाई पर राखी बंधेगी नहीं बंधेगी? अरे फिर उसके बाद हमें खुशखबरी भी तो सुनानी है। कैसी खुशखबरी बेटा? माँ इतनी जल्दी क्या है, पहले राखी बंधवा लें, खीर भी खा लें, उसके बाद फिर कायदे से बताएंगे। अरे खोल के देखो तो सही क्या है उसमें। क्या करेंगे खोल के भैया, जो भी आपने मुझे रक्षाबंधन का वादा किया था वो तो पूरा हुआ नहीं और अब पूरा होने का आज भी नहीं। वो श्रवणी ने अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं कॉलेज में, हमने पता करवाया था, नहीं होगा हमारा दाखिला, नहीं बन पाएंगे हम डॉक्टर। मेरी प्यारी छुटकी रानी, किसने कहा कि दाखिला नहीं हो सकता? अभी बस कागज जमा हुए हैं, दाखिला नहीं हुआ। और तुमको अपने भाई पे भरोसा नहीं है? हाँ ऐसी कोई ख्वाहिश बची है तुम्हारी जो हमने कभी पूरी ना की हो? लेकिन भैया वो बोल कर गई है ना, आपने सुना नहीं उसने कैसे बोला था? अरे तो हम भी तो कुछ कह रहे हैं आपसे। चलो आओ ऊपर बैठो, आओ 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 जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया। ऐसे इसको रुमाल को रखते हैं यहाँ पे, ठीक है? भाई तुम तो गुस्से में बैठी हो, ये लो बांधो राखी। ये लो खीर। अरे भैया गरम है। मुझे खिलाना था। खिलाना? वाह बहुत स्वादिष्ट है। ये लड़का चाहता क्या है? क्या हालत कर दी है श्रवणी की, और कह के गया कि रक्षाबंधन के बाद वापस आएगा। उसके कहने से क्या होता है, अभी जिंदा है हम, कुछ नहीं होने देंगे। रखो इस परिवार ने मिलके हर मुश्किल का डट कर सामना किया है, तो फिर ये शिवांश की क्या पिसात है? छुटकी इस परिवार की खुशी के लिए हम अपनी जान लगा देंगे। पर बेटा वो खुशखबरी तो बताओ हमें। माँ वो माँ कल रात को हम शादी कर लिए। देखो बेटा ऐसे खुशी के मौके पे ना ऐसे मजाक नहीं करते। नहीं माँ हम मजाक नहीं कर रहे, हम सच में आपके लिए बहू लेके आ रहे। लेकिन कब की शादी और किससे की और हमें क्यों नहीं बताया? हमें बताया था। अरे पर अम्मा जी जब आपको पता था तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? वो हड़बड़ी में रह गया, बता नहीं पाए। शिबू ये लो, ससुराल से पिहरी जाती है और उसी में लड़की की विदाई होती है।
विदाई में शगुन वगैरह रखा है, जा विदाई करके दुल्हन को लेके आ। विदा कर लाओ। तो अब तुम हमें ये भी बता दो कि वो कौन सी लड़की है जिसे तुमने शादी की है और हमारी बहू बना दिया है। हाँ, आखिर हमें भी तो पता चले कि आखिर वो कौन लड़की है जो रातों रात यूं ही फेरे लेने के लिए मान गई चोरों की तरह। श्रवणी, ये लीजिए, ये आपकी दबिया सास ने भेजा है, इसे पहनकर आप तैयार हो जाइए। विदाई का मुहूर्त हो रहा है ना, विदाई तो आज होके रहेगी, रोक सको तो रोक लो। श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।